टका कर्म है, टका धर्म है, टका हिंसुक संप्रदाय जल पैसा के चलते अब पैर नाश कर दी। 14 से 84 घर थे, अब 84 घर मात्र। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत है, फिर आ गए। What's up everybody, welcome back to the channel। इस वक्त हम हैं मोक्ष की सिटी बिहार के गया के अंदर। तो अभी हम आ चुके हैं विष्णु पद मंदिर के अंदर और देखते हैं कि यहाँ का पिंडदान कैसा होता है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर भी और अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसा होता है यहाँ का पिंडदान और क्या क्या होता है यहाँ पे, किस चीज़ों का महत्व है सब जानेंगे। बात करते हैं किसी से और चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है। मंदिर प्रांगण के अंदर बिना मास्क के एंट्री नहीं है, तो आप मास्क लेके ज़रूर आना क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही मेन मंदिर है यहाँ का, जिसमें विष्णु जी के पद का निशान है। तो यहीं पे मेन मंदिर का महत्व है यहाँ पे। और यहाँ पूरे प्रांगण में सिर्फ पिंडदान ही चल रहा है, आप देख सकते हैं सामने ये सारे पिंडदान चल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ कैमरा अलाउड ना होने के कारण अंदर की वीडियो फोटोज़ नहीं ले सकते हम, तो आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन ये कुछ मंदिर का प्रांगण है और मंदिर के प्रांगण में आप जहाँ कहीं भी जाए हर जगह पिंडदान ही करता हुआ मिलेगा। परिक्रमा इधर इधर घर से घूम के जाइए, चला आई 121। और इस वक्त हम हैं फाल्गु नदी के तट पे। इस नदी के भी तट पे पिंडदान होता है और पितरियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिंडदान करने के बाद लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और फिर वापस जाते हैं। ये बोतल में जो मिट्टी भर रहे हैं, इसका क्या महत्व है? इसका बड़ी का मकान का चादर में देना पड़ेगा। अच्छा, और आप आए कहाँ से हैं यहाँ पे? बंगाल से हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पूरे देश और पूरे विश्व से लोग आते हैं। यहाँ का पिंडदान का महत्व है कि पहले यहाँ व्यास और राक्षस रहते थे, वह इसी इस पर्वत का नाम है कोलाहल पर्वत। इस कोलाहल पर्वत पर घूमते रहते थे और जो उसके बदन में छेक जाता था स्वर्ग चली जाती थी। भगवान के द्वार में वैकुंठ में रहने का जगह नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत घबराए। घबरा जाने के बाद चिंता हुआ कि है तो मृत्युलोक में है तो कौन है? ब्रह्मा विष्णु यहाँ आए और पहले रामशिला गए। रामशिला जाकर भगवान वहाँ आए, इसी कोलाहल पर्वत पर रामशिला है। इसी कोलाहल से घूमते घूमते भगवान को इसी स्थान पर व्यास राक्षस मिला। विराट विराट था, उसकी 5 कोस का शरीर था। तो अकेही इसकी ब्रह्मालोक इनकी कौन हो? कहें कि मैं नहीं जानता कि कौन हूँ। सजमुख नहीं जानता था, वो तो जानता था कि मैं वह जोनी हूँ। मधु जलवा पी मधु सुरवा, इसमें जल बहते थे, दूध दही घृत अमृत बहते थे, इसमें इस जल को पी कर रहता था। इसी में ब्रह्मा ने कहें कि तुम कहो कौन हो? कहें कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। कहें कि तुम इस बदन में जो ठीकता है स्वर्ग चला जाता है। कहें कि मैं नहीं जानता हूँ। कहें कि हम जग करेंगे। ब्रह्मा विष्णु बोले कि हम जग करेंगे। कहें कि जग कहाँ कीजिएगा, मेरा बदन है इसी पर जग कीजिए। वह व्यासुर ने वरदान दे दिया कि मुझे इसी पर जग कीजिए। जब जग की इस्तेमाल हुआ, सभी कुछ महात्मा लोग जुटे, ब्राह्मण लोग जुटे, सभी को जुट कर ब्रह्मा ने कहें कि सुनो, तुम्हारे ऊपर जग होगा, बाकी अब सब कोई स्तर पर साधु महात्मा का भार अड़ लोगे। कहें कि महाराज मैं अवश्य अड़ूँगा, जहाँ भगवान आए हुए हैं तो मैं अवश्य अड़ूँगा। कहें कि जब सब कुछ जुटा, जग स्थापित होने लगा तो ऐसे ऐसे ढूंढने लगा। कहें कि तुम हिलती हो क्यों? जब तुम्हारे पर जग हो रहा हिलता है क्यों? वही पर भगवान कहें कि यहाँ हमारे भगवान चरण रखें,
उनका दाहिना चरण भगवान ने अपने दाहिने हाथ से चरण से चापे, ग्यासु राक्षस ने चप लिया। वह वरदान मांगा कि मेरे ही शरीर पर पंच कोशम गया क्षेत्रम, पांच कोष तक गया का पिंडदान होता है, तो पांच कोष भी मेरा स्थान रहेगा और मेरी जहाँ जहाँ लोग पिंड पारेगा वही आदि वैकुंठ हो जाएगा। और सीता मैया की है, सुख में सुना देता हूँ। सीता मैया ने राम ने पहले पिंडदान करने के लिए राम ने आया, ये विष्णु भगवान का स्थापित हो गए, तब इसके बाद राम आए। यात्रा हो रहा था उसी में बसु जी का कहें कि हे राम, तुम गया में आ गए हो, तुम पिंडदान कर दो, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि इस घाट का नाम है देवघाट, तो देवघाट पर जाकर सामान ले आओ, क्योंकि सीता को बैठने दो। सीता इसी रेता में बैठ गई। रेता में बैठ जाने के बाद सीता तो अकेला पड़ गई, अब उनके पास तो कुछ ही नहीं, साक्षी में गौ थी, ग्वाला थी, कहीं की भाई तब नारियों लोग का अवश्य है कि जहाँ बैठी तहाँ कुछ लीला करेगी, तब बालू की लीला खेल रही थी, अरमेना में समय काट रही थी, हमारे पति देव आएंगे तब पिंडदान होगा। इतने में राजा दशरथ जी आए, कहें कि हे बेटी, तुम्हें कुछ भोजन दो, मैं भूखा हूँ। आकाशवाणी हुआ देखी ताकि कहीं कोई आवाज़ नहीं निकला, कुछ देखी नहीं, कहें कि मैं बहुत भूखा था, तो कहें कि आप हैं कौन, कहें कि पुत्री राम का पिता राजा दशरथ, कहें कि हम बहुत भूखा दो कुछ, कहें कि हमारे पास है क्या, वही खेल रही थी, ऐसे हाथ उनका उलट गया। उसी दिन से ऐसे पिंड होना शुरू हो गया, दाहिने हाथ से और दाहिने ओर झुक गया। तो कहें कि जाओ, तुम सदा दीर्घायु रहोगे। सीता या के राम जो आए, ऋषि जी आए, कहें कि तुम उदास क्यों हो, कहें कि उदास इसीलिए मैं हूँ कि यहाँ आपके पिताजी आए थे, ये तो कई बार ठुकराएगा, माया की सीता यहाँ आई थी, असल सीता तो नहीं आई, माया की सीता आई। तो कहें कि मैं तो बहुत ठुकराया गया, अभी ठुकराए जाएंगे। कहें कि आप क्या है विश्वास, कहें कि विश्वास यही है कि मैं बालू में बैठ कर खेल रहा था, यही गवाही है। ये सोचिए कि राम आए हुए हैं तो मुझसे तो बहुत गंगा समुद्र बन जाएंगे। कहें कि मैं राम को पिंडदान देखी, सीता को पिंडदान करते नहीं देखा, वही सीता ने श्राप दिया, जाओ तुम कलयुग में गुप्त हो जाओगे, जो मधु सुरवा बहता था गुप्त हो जाओगे, और तुम जहाँ पाओगे तहीं तुम रत्या में बालू के पानी निकालोगे, रास्ते से पानी निकल जाएंगे, यहाँ एक हाथ पर लेटे हुए पानी निकल जाएंगे, अंदर है वातावरण जल। सीता ने कहें कि है गंगा तुम्हारा श्राप हुआ, कहें कि ये गऊ है, कहें कि गऊ देखा है, कहें कि नहीं मैं नहीं देखा, जब गंगा झूठ बोल गया तुमका झूठ बोलना पड़ा गऊ को, कहें कि जाओ जब कलयुग आएगा तो तुम्हारा अगला हिस्सा झूठा माना जाएगा, पिछला हिस्सा जो रहेगा गोबर मूत्र गऊ का दूध ये तुम्हारा अमृत हो जाएगा, वही कली में आज अमृत है। कदरी था, कदरी कहते हैं केला को, केला का पेड़ था, उनसे पूछा गया कि तुम सीता ने पिंडदान किया है, कहें कि जब गौ माता जब झूठ बोले तब मुझे झूठ बोलने किया है, वही झूठ बोल गए। तो कहें कि जाओ तुम जब कली आएगा तो तुम एक ही कांधी गिराओगे, दूसरा कांधी नहीं गिराओगे, इसलिए आज केला का खत्म जो है एक ही कांधे गिराता है, दूसरा नहीं गिराता है, मुझे तो गिर जाता है। कहें कि अब क्या करें सीता, अब तो तुम बहुत झूठ बोल गई। कहें कि झूठ बोलने की बात है कि अब तो कोई नहीं है साक्षी, मेरा तुलसी है। कहें कि तुलसी, कहें कि हाँ हुआ, कहें कि राम आए हुए तो क्या बात है, सब को अपना अपना स्वार्थ दुनिया है, वो अभी बोल दिए कि मैं सीता का पिंडदान कर दूँ। कहें कि जाओ तो जो कली आएगा तो तुम कहीं गंदे पर भी जल में रहोगे तो तुम्हारा महत्व कली में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पाओगे कबाड़ के लोग अपने घर में लगाएंगे। तो तुलसी का पेड़ लगना शुरू हो गया कली में। तो कहें कि अभी और क्या है, वाला थे उनसे पूछा गया कि बताओ कि तुम, कहें कि मैं तो नहीं देखा, तो गाय चराते थे नहीं देख सके। कहें कि जाओ कली में तुम ग्वाल नाम करके क्या ग्वाल हो गए, जिस दिन पैर पृथ्वी ने गंगा में समुद्र में उतर जाओगे, तालाब में सरता जल है, इस समुद्र में उतर जाओगे तो उस दिन तुम लोग विनाश हो जाओगे। पंडा उज्वाला जो था से पैर तुरंत फल्गु में रखा, विनाश हो गया। कुंस को बनाकर प्रतिमा को बनाकर ब्रह्मा ने कुंस को बनाकर प्रतिमा को बनाकर उन्हें अपने आवाहित जीव दिए, आत्मा दिए, तो आज वही व्यापाल पंडा हैं। आज उन लोग का अधिकार फल्गु में उतरने का नहीं है, फल्गु नहीं उतरते हैं, बाकी कली में पाप हो गया, पैसा टका कर्मा टका धर्मा टका ही सम्रदा जल पैसा के चलते अब बैर नाश कर दिए, 1484 घर थे अब 84 घर मात्र।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि आप कहीं भी यहाँ पे तट पे हल्का सा भी थोड़ा नीचे खोदो तो पानी निकल आएगा, तो अभी हम ट्राई करते हैं ये कि पानी निकलता है कि नहीं। चलिए, नदी का किनारा हो रहा, हम ट्राई यहाँ कर लेते हैं कि पानी आता है कि नहीं। किनारे से मैं इतना दूर हूँ और देखते हैं पानी निकलता है कि नहीं। हल्का हल्का पानी निकलने लगा है, जैसा कि आप देख रहे हो, देख सकते होंगे ये पानी निकल आया है यहाँ पे। ये देखो, ताकि पंडित जी ने बताया कि फाल्गु नदी को श्राप है कि वो पूरी ऊपर से कभी नहीं बहेगी, नीचे से ही बहेगी और बाहर आप तट पे कहीं भी खोदो तो पानी निकल आएगा। तो ऐसा ज़रूर है कि पानी हर जगह से निकल आ रहा है और नदी के बीच में भी लोग वहाँ देख रहे होंगे आप कि घुटने तक का ही पानी है और ये नदी है कहते हुए भी अजीब सा लगता है कि ये नदी है, लेकिन कमर तक भी पानी नहीं है। नदी के बीच में भी लोग जा रहे हैं, आराम से दौड़ रहे हैं नदी के अंदर, लेकिन कुछ नहीं है। तट से मैं यहाँ तक खड़ा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना पानी है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ के। आप फाल्गु नदी के किनारे बहुत मज़े कर सकते हो क्योंकि पानी कम है, यहाँ ज़मीन के नीचे पानी बहती है और अगर नदी के नीचे मैं हाथ डालूँ तो यहाँ रेत है सिर्फ। ये देखिए, ये रेत निकलता है और पिंड जो भी पिंडदान करते हैं वहाँ पर ये चावल निकल रहा है, तो ये रेत है इसके अंदर। और बहुत अच्छी नदी है ये, आप आके यहाँ पे बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, पीस है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। फ़िलहाल मैं एंजॉय कर रहा हूँ और इस वक्त मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि और भी जगह मुझे विज़िट करनी है। तो अभी यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और जगह पर। तो माँ मंगला गौरी टेंपल के अंदर पहुँच चुके हैं, प्रसाद ले लिया है और माता के दर्शन करेंगे और फिर आपको बताते हैं कि क्या महत्व है माता का और माता क्यों इतनी फेमस है। 18 शक्तिपीठों में एक की माता का मंदिर है, तो यहाँ दर्शन करेंगे और आपको भी बताते हैं कि कैसा दर्शन है। सिद्ध पीठ स्थान है जी, जो भस्म पर्वत पर बसा हुआ है जी। पंडित जी राजा दक्ष के जो कन्या सती थी, शंकर भगवान की पहली पत्नी थी जी। तो शंकर वो आपको जब राजा दक्ष ने जग किया जी, तो सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, शंकर जी को कोई आसन नहीं जी, कोई निमंत्रण नहीं जी। शंकर जी मंदिर के अंदर कम लाइट और साउंड इको के कारण आवाज़ और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो चलिए इस कहानी को मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान भोले शंकर जब अपनी पत्नी का जला हुआ शरीर लेकर तीनों लोकों में उद्विग्न होकर घूम रहे थे, तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माँ सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। इसी क्रम में माँ सती के शरीर के टुकड़े देश के विभिन्न स्थानों पर गिरे थे, जिसके बाद में शक्तिपीठ के रूप में जाना गया। इन्हीं स्थानों पर गिरे हुए टुकड़ों में स्तन का एक टुकड़ा गया के भस्मकुट पर्वत पर गिरा था। मंगला गौरी शक्तिपीठ के पुजारी लखन बाबा उर्फ लाल बाबा कहते हैं कि इस पर्वत को भस्मकुट पर्वत कहते हैं। इस शक्तिपीठ को असम के कामरूप स्थित माँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ के समान माना जाता है। कालिका पुराण के अनुसार गया के सती का स्तन मंडल भस्मकुट पर्वत के ऊपर गिरकर दो पत्थर बन गए थे। इसी प्रसरमीय स्तन मंडल में मंगला गौरी माँ नित्य निवास करती हैं। जो मनुष्य शिला का स्पर्श करते हैं वे अमरवत को प्राप्त करते हैं और ब्रह्मलोक में निवास करते हैं।
इस शक्तिपीठ की विशेषता यह है कि मनुष्य अपने जीवन काल में अपना श्राद्ध कर्म यहाँ संपादित कर सकता है। तो गाइस ये था गया के अंदर पिंडदान का आखिरी दिन। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो थम्स अप आइकन दबा देना, नहीं अच्छी लगी तो थम्स डाउन कर देना। एंड सब्सक्राइब इज इंपॉर्टेंट। सो होप फॉर द बेस्ट, वेट फॉर द नेक्स्ट। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।